नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इस हिंदी की कक्षा में। साथ ही हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि अजर अजर आजिर शब्द युग्म सही है। ए कह रहा आंगन और अजीर, बी देवता आंगन, सी देवता और अजीर, और डी कह रहा आंगन और देवता। तो इसमें जो साथियों राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा देवता और आंगन। तो राइट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी देवता और आंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दूसरा, वो देखो दूसरा ये कह रहा है कि मालगाड़ी, कह रहा है कि मालगाड़ी आने पर सवारी छूटेगी। ए कह रहा है संयुक्त है, बी कह रहा है सरल है, सी कह रहा है मिश्र है, और डी कह रहा है ए बी दोनों है। तो दूसरे का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी सरल और संयुक्त, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखो तीसरा, तीसरा ये कह रहा है कि का आ रा मा और आ, इनसे क्या बनेगा? क्रम बनेगा, बी क्रम बनेगा, सी कर्म बनेगा, और डी कर्मा बनेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, इसका बनेगा कर्मा। नेक्स्ट देखो चौथा, चौथा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? ए कह रहा है वस्त्र, बी पट, सी बसन, और डी कह रहा है बासन। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा चौथे का डी, इसमें जो है बासन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसमें कह रहा है पांचवे में, लालटेन है कैसा, तत्सम है, तद्भव है, संकर है, या विदेशज? तो इसका जो राइट ऑप्शन हमें बताना है वो हो जाएगा पांचवे का डी, ये जो शब्द है ये विदेशज है। नेक्स्ट देखो छठा ये कह रहा है कि ऋग्वेद का सही संधि है ऋग्वेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद या रीधन वेद। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा छठे का वो हो जाएगा ऋक् धन वेद, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऋक् धन वेद। नेक्स्ट देखो सातवां, सातवें में ये कह रहा है कि वह नायिका जिसका पति विदेश से लौटा हो, वाक्यांश क्या होगा? ए कह रहा सुहागिन होगा, बी कह रहा है कि वियोगिनी होगा, डी कह रहा अखंडिता होगा, और सी कह रहा अखंडिता होगा, और डी कह रहा आगत पतिका होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा आगत पतिका। ठीक है, आगे देखो आठवां क्वेश्चन, आठवें में ये कह रहा है कि कर्म संज्ञा, सॉरी किस क्रमांक में सकर्म होती है? ए कह रहा है वह रात भर नहीं सोया, बी कह रहा है सदा बोलता ही रहा, सी कह रहा है वह दिन भर गुटखा खाता है, और डी कह रहा है वह बहुत तेज दौड़ता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आठवें का सी, कि वह दिन भर गुटखा खाता रहा, खाता रहता है। नमा देखो नवे में ये कह रहा है कि निम्न में किस वियोग की वर्तनी है? बहिरंग, बहिर और बहि विसर्ग रंग और बहि रंग। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हमें बताना है वो क्या हो जाएगा नमे का, वो हो जाएगा हमारा बी, इसका हो जाएगा बहि धन अंग से, ये बनेगा बहि ही अंग से बनेगा बहि रंग, राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बी बहि रंग। ठीक है, नमे का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वही रंग। नेक्स्ट देखो नमा, नमे में ये कह रहा है कि लोकप्रिय शब्द है तत्पुरुष,
अव्ययीभाव, कर्मधार या बहुव्रीहि। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो दसवें का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, तत्पुरुष। नेक्स्ट देखो 11। 11 में ये पूछ रहा है कि अंग्रेजी मूलतः किस भाषा का शब्द है। ये कह रहा है अंग्रेजी, फारसी, हिंदी या पुर्तगाली। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 11 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा फ्रांसीसी, बी। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, फ्रांसीसी। नेक्स्ट देखो 12वीं में पूछ रहा है कि उपनिषद शब्द किस प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनाता है। औपनिषद, औपनिषदिक और उपनिषदिक, और कह रहा है औपनिषदिक और डी कह रहा है औपनिषदिक। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो हमें बताना है 12वें का क्या हो जाएगा। 12वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, औपनिषदिक, ए। ठीक है 13वां देखो। 13वें में ये पूछ रहा है कि निर्मला ने निर्धन को दान दिया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ए कह रहा है कर्ता है, बी कह रहा कर्म है, सी कह रहा करण है और डी कह रहा अधिकरण है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमें बताना है वो हो जाएगा 13 का कर्म। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कर्म। ठीक है आगे देखो 14। 14 में ये पूछ रहा है कि हिंदी वर्णमाला 11वां व्यंजन कौन सा है, ड, ठ, ट और फ। तो 14 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ट, सी। ठीक है आगे देखो 15 में ये पूछ रहा है कि अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है, एयर संधि, व्यंजन, विसर्ग या गुण। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा अभी उदय में जो है संधि है वो हो जाएगी हमारी एड संधि। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। 16 देखो। 16 में ये पूछ रहा है कि संज्ञा से बना विशेषण है चालू, हसौड़ या भुलक्कड़ या लखनवी। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो जाए 16 का वो हो जाएगा, राइट ऑप्शन 16 का हो जाएगा डी, लखनवी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये पूछ रहा है 17 कि उद्गिन में संधि है, उद्धन दिन, उत्धन भिन्न, उत्धन विघ्न या उत्धन देव। तो जो 17 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें 16 रूपक, उद्गिन में उत्तधन विघ्न। 17 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा उत्तधन विघ्न। सी। नेक्स्ट देखो 18। 18 ये देखो, आप बीती, ये कह रहा है बीती विवावरी जागरी अंबर पनगट में डुबो रही। इसमें हमें ये बताना है कि क्या होगा। तो इसमें ये कह रहा है कि ये कह रहा है एमक होगा, उपमा होगा, रूपक होगा या उत्प्रेक्षा होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 12, 15 लखनवी, 17 रूपक। ये हो जाएगा इसका रूपक, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, रूपक। 18 देखो। 20 बार, ये दो बार हो गया। 18 देखो, 18 में ये पूछ रहा है कि बिन घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में ऊधो नित बसती बाहर वर्ष की है। इसमें प्रयुक्त अलंकार है, ए कह रहा रूपक, बी कह रहा श्लेष, सी कह रहा एमक और डी कह रहा उपमा। तो 18 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा श्लेष, बी। नेक्स्ट देखो 19।
19 में ये पूछ रहा है कि आयुष्मान का स्त्रीलिंग है आयुष्मती, आयुष्मयी, आयुषी या आयुष्मयी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है 19 का वो हो जाएगा आयुष्मती। क्या हो जाएगा? आयुष्मती, आयुष्मती राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, आयुष्मती। ठीक है, नेक्स्ट देखो 20। 20 में ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा संज्ञा से बना हुआ, ये कह रहा कृपा, जाति, नमक या कुलीन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा, कौन सा चल रहा है ये 20, तो इसमें जो 20 का ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कुलीन। ठीक है, आगे देखो 21। इसमें ये पूछ रहा है कि हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ग से पहले आता है, औ, आ, अहा या आ से। तो जो राइट ऑप्शन है वो हमें बताना है कि अंग किस वर्ण से पहले आता है। तो जो ये जो है राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा अहा। अंग नहीं, हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता है। तो छोटा बड़ा, छोटे बड़े, छोटो बड़ू, रेड, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, आहा से पहले। ठीक है, आगे देखो 22 में ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपकार में ना मारने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है, ए कह रहा कृतघ्न, उपकारी, कृतज्ञ या अपकारी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 22 का कृतघ्न ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो 23 में। 23 में ये कह रहा है कि ताजमहल का उद्भव अद्भुत नमूना है, रिक्त स्थान में आएगा शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला या स्थापत्य कला। तो 23 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा स्थापत्य कला, राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखो 24 कह रहा है कि यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या है, व्यक्तियों को किम कर्तव्य विमूढ़ माना जाता है, दुविधा, शुविधा, विविधा या अविधा। तो 24 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, दुविधा।